हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं अभी आपको करवाने वाला हूं बीकॉम थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर का बीसीओई 142 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। और इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है जो आज हम सॉल्व करेंगे, वो है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, साथ ही साथ इसको करने के क्या क्या उद्देश्य है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स लेने हैं, एग्जामिनेशन नजदीक आ रहे हैं, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप हमसे नोट्स परचेस कर सकते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सारे के सारे ईयर्स के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके अगर कोई सबॉर्डिनेट हैं, फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि एमकॉम के नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप एमकॉम के नोट्स लेकर के उन एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको परचेस कर लिया है। मैं चाहूंगा कि आप भी परचेस करें और प्रिपरेशन अपनी अच्छे तरीके से करें। वीडियोज तो अपलोड होंगी ही, लेकिन वीडियोज के साथ अगर आप नोट्स को भी करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप नोट्स लें। बट फिर भी अगर आप नहीं लेते हैं तो हमारे पास वीडियोस हैं, वीडियोस को आप वॉच कीजिए। हमारी वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आप वहां पे जा सकते हैं। लाइक यू कैन डू एवरीथिंग इन माई वेबसाइट, जहाँ पे कोर्स से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियां हैं, हर एक चीज वहां पे अवेलेबल है। नोट्स के लिए आपको जो है थोड़ा सा चार्जेबल होगा वो, बट हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चार्ज को पे करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नोट्स के बारे में। अब हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है ना, तो ये क्या होती है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। तो ये देखो हमारा कंटेंट है, ब्लॉक वन में चार यूनिट है, ऐसे करके अलग अलग है, सबको डिटेल में मैं नहीं बताने वाला। तो ब्लॉक यूनिट में चार यूनिट में, ब्लॉक वन में मैंने चार यूनिट बताया आपको, उसमें से यूनिट वन हमें भी करने वाला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा बैक चलते हैं कि क्या है ये। सो टिल द 18th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वर सिमिलर स्मॉलर इन साइज एंड मोस्टली फैमिली रन। एज द फैमिली ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग, द साइज एंड स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट लाइन बिकेम मोर एक्सटेंडेड एंड कॉम्प्लेक्स। विद द फर्दर एनहांसमेंट इन टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड ग्लोबलाइजेशन, इट हैज बिकम नेसेसरी टू कीप अ ट्रैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि 18th सेंचुरी के आसपास ना, 18th सेंचुरी तक एक्चुअली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी वो बहुत ही छोटी हुआ करती थी और फैमिली रन होती थी, मतलब कोई एक फैमिली उसको रन कर रहा होता था। तो उस टाइम तक ना हमें मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन की या मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इन सब चीजों की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि छोटा बिजनेस था। लेकिन जैसे जैसे चीजें बड़ी हुई, जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हुआ, उसका स्कोप बड़ा हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, उसके कारण से अभी के टाइम पे मैनेजमेंट डेटा रखना, मैनेजमेंट के पास डेटा रखना, अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रैक पे रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड प्रोवाइड्स ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द मैनेजमेंट टू मेक डिसीजन। सिंपल सा था इसका तरीका है इसका काम करने का, कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक तरीके से फाइनेंशियल डेटा और कॉस्ट डेटा को अपने पास इकट्ठा करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को, और उसके बाद उसके बेसिस पे जो है वो डिसीजंस लेती है, ताकि आपके बिजनेस को और अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सके। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया हुआ है, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स यूएसए हैज डिफाइंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज ए वैल्यू एडिंग कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग, मेजरिंग एंड ऑपरेटिंग बोथ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स दैट गाइड्स मैनेजमेंट एक्शन, मोटिवेट्स बिहेवियर एंड सपोर्ट्स एंड क्रिएट्स द कल्चरल वैल्यूज नेसेसरी टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल एंड ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो काफी ज्यादा बड़ा इसका डेफिनेशन है, समझना बहुत ही आसान है। तो ये एक प्रोसेस है, वैल्यू एडिंग प्रोसेस है, जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, मेजरिंग करते हैं, उस सब में जो है एक तरीके से ये जो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो एक तरीके से एडेड एडवांटेज है, वैल्यू एड करता है उस चीज में, और हमें ये हेल्प करता है हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत हमें इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करवाने में एंड ऑल। तो वो सारी चीजें हैं यहाँ पे, आप इसको पढ़ करके जैसा है वैसे ही लिख देना। अगर आपको याद होता है, नहीं भी याद होता है तो जो मैंने अभी हिस्ट्री आपको बताया है ये आप भी अगर आप लिख दोगे ना तो काफी है। ठीक है, एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, तो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन है जो कि अपने अपने डेफिनेशन देते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। एक चीज में जाना चाहूंगा, सीमा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा लंदन, इंग्लैंड ने हमारे ऊपर काफी समय तक राज किया, ग्रेट ब्रिटेन ने, तो उसके कारण से हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत हद तक लंदन का हमारे ऊपर है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन यूज्ड फॉर
ठीक है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे मैनेजमेंट कंसर्न का, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन जिसका इस्तेमाल होता है स्ट्रेटेजी को क्रिएट करने के लिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसको आप ऑप्टिमाइज कर सको ठीक तरीके से उस चीज के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है आप अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक तरीके से इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो क्यों करेंगे, इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू एनेबल मैनेजमेंट टू कैरी इट्स ड्यूटीज एफिशिएंटली दैट अल्टीमेटली लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो जो मेन बेनिफिट है, जो बेसिक बेनिफिट है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली मैनेजमेंट का, वो ये है कि आप मैनेजमेंट को अलाउ कर रहे हो कि वो अपने काम को ठीक तरीके से कर सके। अब सपोज मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, अब वो डिसीजन ऐसे ही अंधाधुंध तो नहीं ले लेगी ना, जो डेटा उसके पास अवेलेबल होगा, जो भी चीजें उसके पास अवेलेबल होंगी उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगी। तो वो डेटा इकट्ठा कौन करवाएगा, वो डेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही इकट्ठा करवाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से लेकर के। तो उस सारे डिसीजंस के बेसिस पे आप चाहते हो कि आपकी जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो, आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर आप ध्यान देते हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। तो ये आपका हेल्प करता है प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, डायरेक्ट करने में, कंट्रोल करने में। विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग बजट्स एंड फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द डेविएशन बिटवीन द बजटेड एंड एक्चुअल टारगेटेड अचीव्ड, है ना। तो सही बात है। तो इसके इसके हेल्प के कारण हम जो है बजट्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। और हम ये भी जान सकते हैं कि जो डेविएशन आ रहा है, मतलब एस्टिमेशन में सपोज आपने किया था 100 करोड़ का, एक्चुअल आया 90 करोड़ का, तो 10 करोड़ आपके बच गए। क्या एस्टिमेशन किया था आपने 100 करोड़, खर्च हो गया 110 करोड़, तो 10 करोड़ ज्यादा आपके लग गया। तो ये जो डेविएशन आ रहा है ये क्यों आ रहा है, क्या इसके पीछे रीजन है, ये सारी की सारी चीजें जो है आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए जान सकते हैं। अब अगर हम इसको पॉइंट वाइज समझना चाहें तो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो ये सबसे बेसिक चीज है ना। जब आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन लोगे, उसके बेसिस पे आप प्लान करोगे। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि प्लानिंग इंक्लूड्स फॉरकास्टिंग, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएटिंग स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग देम, है ना। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस एंड डेटा अवेलेबल फॉर फ्यूचर फॉरकास्ट, है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है ताकि आप अपने प्रिपरेशन कर सकें स्टेटमेंट्स का, और उन स्टेटमेंट्स के जो आपके पास अवेलेबल होंगे उसके बेसिस पे आप अपने फ्यूचर का फॉरकास्टिंग कर सके, आप प्लानिंग कर सकें, फॉर्मुलेट कर सके मैनेजमेंट पॉलिसीज को। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, व्हिच इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल। अब जब आपके पास फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल है तो आप उसको इंटरप्रेट भी कर पाओगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक तरीके से फाइनेंशियल डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करता है और उसको सिंप्लीफाइड वे में तैयार करके वो मैनेजमेंट को एक तरीके से फॉरवर्ड कर देता है और मैनेजमेंट उसके बेसिस पर डिसीजन लेती है। इसमें देखो कैसे आप इसको आसानी से समझा सकते हो फाइनेंशियल डेटा को। इसमें आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्राफ्स, डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से टॉप मैनेजमेंट को समझा सको। सो उसके इंटरप्रिटेशन में ये जो है काफी ज्यादा हेल्प करता है फाइनेंशियल डेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो ये चीज जो है डिसीजन मेकिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैसे करती है, देखो जब आपके पास डेटा अवेलेबल हो गया तो उस डेटा के बेसिस पर आप क्या करोगे, आप डिसीजन लोगे कि क्या आपके लिए सही होगा और क्या आपके लिए गलत हो सकता है, राइट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स द डिसीजन मेकिंग साइंटिफिक बाय यूजिंग टेक्निक्स। अब जो आपका डिसीजन है वो कितना सही है, कितना गलत है, कितना साइंटिफिक है, यह तो आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर आपके पास डेटा अवेलेबल रहेगा उसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो डेफिनेटली आपका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो आपका डिसीजन होगा वो बहुत हद तक साइंटिफिक होगा, क्योंकि आपने वहां पे टेक्निक का इस्तेमाल किया, आपने वहां पे डेटा का इस्तेमाल किया है, राइट। इट यूजेस द डेटा फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एनालाइज इट फॉर मेकिंग अ साउंड डिसीजन, है ना। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेटा को इकट्ठा करती है और फिर उसको ऊपर में उसको एनालाइज करने के बाद एक साउंड डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेती है। फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स इन एसर्टेनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन इट एंड इंप्लीमेंट कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ये क्या कर रही है, ये प्रॉफिटेबिलिटी पता कर रही है किसी एक प्रोडक्ट की, और उसको पता करने के बाद आप उसको ऊपर कंट्रोल कर रहे हो। जब आपको लग रहा है कि आपका एक्सपेंसिस ज्यादा है, इनकम कम है, तो आप अपने एक्सपेंसिस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड दैट्स व्हाट दे डू, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट, व्हिच इज हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जब डेटा आपके पास होगा तो आप अपने इंप्लॉइज का परफॉर्मेंस भी आप एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स
लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है कंट्रोल करने में, यू नो, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, जो कि है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, इट कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल बाय डिफरेंट टेक्निक्स। तो ये एक तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है या जो उसका खर्च है उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और इवेंचुअली और अच्छे तरीके से करती भी है। ठीक है, इट डिफाइंस ईच यूनिट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड दैट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिविएशन। इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड द वीक एरियाज एंड टेक करेक्टिव एक्शंस टू इंप्रूव सिचुएशन। है ना, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, जहां पे भी आपका खर्च हो रहा है वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है। है ना, तो वहां पे क्या खर्च हो रहा है, कितना डेविएशन आ रहा है, आपका इनकम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सारी की सारी चीजों में हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और आपको ये विवश करती है कि आप करेक्टिव एक्शन ले सकें ताकि आपका जो सिचुएशन है कि आप गलत सिचुएशन में हो, खराब सिचुएशन में, आप उसमें इंप्रूव कर सको। ठीक है, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेस बजटिंग टेक्निक्स एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड टू कंट्रोल कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। है ना, तो ये हेल्प करता है ताकि आप, यू नो, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में अपने और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप ठीक तरीके से चला सको। यार कभी कभी फंबलिंग हो जाती है मेरे से। खैर, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस बजटिंग टेक्निक। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पे जो है बजटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो फॉर्मूला एक तरीके से होता है उसका इस्तेमाल करती है पता करने के लिए कि कितना पैसा उनके पास वापस आया है, जो पैसा उन्होंने लगाया था एंड ऑल। सो इट लीड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन टू रैशनलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन है उससे ये रैशनलाइजेशन के ऊपर चला जाता है, मतलब चीजें बहुत अच्छे तरीके से होने लगती हैं, यू नो, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट रहते हैं और काम को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अगला पॉइंट है हेल्प्स इन रिपोर्टिंग। तो ये तो लाइक बहुत ही कॉमन सा चीज है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही होता है डेटा इकट्ठा करना, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। तो वो डिसीजन तभी ले पाएगा जब वो उस डेटा को रिपोर्ट करेगा अपने मैनेजमेंट को। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्म्स द मैनेजमेंट अबाउट द करंट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम थ्रू टाइमली रिपोर्टिंग। है ना, रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग भी चलेगा, रिपोर्टिंग भी आप बोल सकते हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, टाइम टू टाइम वो अपने मैनेजमेंट को डेटा इकट्ठा करवाती रहती है, उनको बताती रहती है कि ये हमारा करंट सिचुएशन है, इसके बेसिस पर अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक रिक्वायर्ड एक्शंस टाइमली एंड करेक्टली। ठीक है ना, तो ये हेल्प करता है कि जो मैनेजर्स हैं वो सही टाइम पे सही डिसीजन को ले सकें ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर रिपोर्टेड रेगुलरली। तो हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस जो है रेगुलरली मैनेजमेंट तक पहुंचाया जाता है, उन तक चीजें जो है, यू नो, एस्केलेट की जाती है। अगला पॉइंट है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ऑपरेशन का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। कैसे करता है भाई, चलिए देखते हैं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग द ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन में, ये हर एक व्यक्ति किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसके इवैल्यूएशन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ उन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने का काम, ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज बाय प्रिपेयरिंग फंक्शनल बजट्स एंड देन कोऑर्डिनेटिंग बाय क्रिएटिंग अ मास्टर बजट। है ना, तो एक तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज में। कैसे, तो वो यहाँ पे फंक्शनल बजट तैयार करती है और फिर उसको वो कोऑर्डिनेट करती है एक मास्टर बजट को तैयार करके, और उसके बेसिस पे जो है फिर काम वगैरह होता है। सो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस इन द पर्टिकुलर वीडियो। द टॉपिक वाज अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया भैया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नोट्स अवेलेबल, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, एग्जाम्स के लिए नोट्स अवेलेबल हो गए हैं। अगर आपको लेने हैं तो प्लीज हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको ये नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ट्यूशन करेंगे तो 5000 करके, 500 पर मंथ करके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 6000 रुपए आपको लग जाते हैं। तो आपको उतने नहीं देने, इसका सिर्फ और सिर्फ 25% ही आपको पे करना है, जो कि बहुत ही लो है मेरे ख्याल से। हालांकि एट ए टाइम पे करने के लिए आपको थोड़ा सा ये भारी लग सकता है, बट आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में भी इसको पे कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय।